दोस्तों वेलकम बैक। सबसे पहले थैंक यू चैनल को कंटिन्यूअसली सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए और चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो है हम शुरू करेंगे एलन वेक 2। इसका पहला पार्ट जो है 2010 में आया था, तो लगभग 13 साल बाद ये दूसरा पार्ट आया है। पहला पार्ट काफ़ी ज़बरदस्त था, तो दूसरे से भी जो है काफ़ी उम्मीदें हैं। तो देखते हैं ये गेम कैसा रहेगा। इसमें काफ़ी सारे सर्वाइवल हॉरर एलिमेंट्स हैं, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हैं इसके हॉरर एलिमेंट्स। शुरुआत Back करते to the हैं। beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. अच्छा जी, होप के साथ जिंदा रहो, एंडिंग पता करने की जरूरत नहीं है। In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. ये कौन है भाई? चलिए तो लगता है ये हम ही हैं। हाँ, तो ये भाई लेक से निकले हैं ऐसे अंधेरे में रात को। लेक में क्या कर रहे थे यार? चलिए आगे चल के देखते हैं। मतलब जो एंट्री थी वो तो बहुत ही खतरनाक, जो एलेन के डायलॉग्स थे बिल्कुल सही टोन सेट किया गेम के लिए। ओए, कोई है वहां पे भाई, हेल्प कर दो। दो लोग हैं वहां पे और ऐसा लग रहा है हाँ हेल्प नहीं करेंगे, चले गए। अरे लगता है ओ तेरी, कुछ तो है भाई इधर। साले एक तो अंधेरा इतना है, कुछ नजर भी नहीं आ रहा ठीक से। लगता है इस तरफ जाना है। ओए अबे यार, एक तो जंगलों में साला ये बहुत होता है। ओ, ओ भाई, ओ तेरी, ओ कुछ हेलुसिनेशन से हो रहे हैं। कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। तो LS दबा के स्प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है करते हैं स्प्रिंट। जितनी जल्दी यहाँ से हो सके उतनी जल्दी निकलते हैं। ओए, अबे ये कौन है तेरी? अबे भाई तो बोला इट्स कमिंग। इस तरफ कुछ नहीं है।
यहाँ पे कोई है, कुछ डक वगैरह कर सकते हैं? नहीं, ये क्या है, तीन लोग हैं या फिर से हेलुसिनेशन है? कोई और बटन से कुछ भी नहीं हो रहा। अबे भाई मार दिया वो तेरी। कोई कल्ट है ये, हेमिंग्वे। अबे मार दिया ओ भाई। भाई दिल्ली निकाल लिया। अबे ये वही दो थे शायद, देख लिया इन्होंने। अबे भाग लो, पता नहीं बचे होंगे या नहीं, पकड़े गए होंगे तो मार ही दिया होगा उनको भी, पक्की बात है। बट भाई ये तो कोई ऐसा रिचुअल टाइप का लग रहा है, ऐसे बांध के पूरा, ऐसे छुरी खोप के जो है अंदर से दिल्ली निकाल दिया। ओ भाई हार्ट बीट काफी तेज चल रही है अभी तो। चलो थोड़ा सूदिंग सा म्यूजिक आया। Hey kiddo, how are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers! I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. भाई तुम लोग जा रहे हो ब्राइट फॉल्स, भूल जाओ वो सीरीज देखना और ना ही तुम जल्दी जा पाओगे। Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Achha ji. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. ऐसे केसेस में भाई एडवाइस क्या ही बोलो। Here we are, Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. तो लगता है ये पहला चैप्टर है, रिटर्न वन इनविटेशन। तो यहाँ पे हम आए हैं, क्राइम सीन पे जाना है हमारे को। डेप्यूटी की गाड़ी है तो डेप्यूटी भी आसपास ही होंगे। तो इधर मैप है, एक बार ये देख लेते हैं मैप को। तो वही कि मैप जो है वही की लोकेशंस डिस्प्ले करता है एरिया के। I think I hear someone. Nightmare territory. Could be our deputy. I can go take a look. चलिए तो एक बारी मैप खोल के देखते हैं।
लॉन्ग प्रेस, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैं पार्किंग लॉट के पास, जूम इन जूम आउट, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोलरन लेक का शोर है, ठीक है। कुछ एरियाज हैं, देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पे, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना है। अभी के लिए चलते हैं, डेप्यूटी से मिलते हैं। वो पता नहीं फोन पे लगता है किसी से बहस कर रहे थे। Over here. क्या है? कोल्ड्रन लेक Hey रेंटल there. कैबिन्स उस तरफ Agent है, Casey, ठीक है right? भाई। Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. तो हमें भाई Saga इंचार्ज Anderson. I'll be सागा leading this एंडरसन, case. Seems you already know my partner, Alex Casey. ठीक है। उसका नाम एलेक्स केसी है। Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that when are those damn feds gonna show up, Mulligan? ये लगता है उसका पार्टनर Federal होगा। Agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? हाँ बे, they didn't hear me, did they? सुन लिया, आके वाट लगाते हैं तेरी। ठीक है, तो क्या है? आई कुड यूज अ ब्रीफिंग या फिर कोई विटनेसेस टू द क्राइम। तो हाँ, पहले विटनेस के बारे में पता करते हैं। Were there any witnesses? Yeah, a couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? कर दिया भाई But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. अच्छा, तो बच गए वो, किसी तरह भाग लिए वो जो तीनों हत्यारे थे उनसे बच के। चलिए, तो क्या है, पहले एक ब्रीफिंग ले लेते हैं, फिर चल के बॉडी को देखेंगे। तो What चलिए, can you tell us about the crime scene? Tell me about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Inside. हाँ, वही हार्ट निकाल दिया था ना। तो चलिए ठीक है, बॉडी I को want to चल see के the खुद body. से देखते हैं। How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. हाँ हाँ सुन लिया भाई, आ रहे हैं थॉर्टन। चलिए, तो लगता है यहाँ से जाना है। उधर आसपास जो है कोई कन्वीनियंस स्टोर है, तो वहां पे जो है डिप्टी थॉर्नटन को मिलना है। अच्छा, आ जाओ। लगता है इससे पहले कुछ बात करनी है, थोड़ा सा डिस्कशन केस के बारे में। क्या भाई, कुछ बोलेगा? नहीं, तो फिर आगे ही चलते हैं। कुछ तो है, इंतजार तो कर रहा है यहाँ पे किसी चीज का। नहीं, बट बात तो नहीं हो रही। ठीक है, तो चलते हैं इस तरफ, चल के देखते हैं फिर आएगा क्या पीछे पीछे। हाँ, I need to think through the facts of the case. अब आ रहा है। चलिए, तो क्या है, हम जो है केस बोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द माइंड प्लेस, ठीक है। तो ये बटन दबा के देखते हैं केस बोर्ड, The mind place. ये क्या है भाई, My माइंड version of प्लेस। the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The अच्छा facts जी, are on the board. तो लगता है अपने दिमाग के अंदर ये जो है सारी इंफॉर्मेशन जैसे कलेक्ट कर रही है और एक केस बोर्ड सा बना रखा है। तो चलिए एक्सेस करते हैं इसको। Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. प्रीवियस मर्डर्स, ठीक है। तो लगता है यहाँ पे तीन पहले मर्डर हुए हुए हैं। क्या लिखा है कि भाई केस बोर्ड जो है एक मेंटल टेक्निक है जो कि सागा को अलाउ करती है क्लूज वगैरह एनालाइज करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को देखने के लिए, ठीक है। तो R से मूव अराउंड, ठीक है। LTRT से जूम, L से जो है कर्सर मूव। तो अब जो है हम ठीक है केस बोर्ड का एक्सेस कर सकते हैं या फिर लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले केस क्या था ये।
ये प्रीवियस मर्डर्स हैं, तो पहले भी जो है कुछ मर्डर्स हुए हैं, पूरी एक सीरीज है, 3 खून हुए हैं जैसा दिख रहा है ब्राइट फॉल्स के आसपास। तो कनेक्शंस अगर हमारे को मिलते हैं इन मर्डर्स में, तो फिर उससे हमारे को किलर को ढूंढने में हेल्प होगी। ठीक है, तो इधर देखते हैं क्या है, थोड़ा सा जूम इन करके। ये हमारे विक्टिम्स हैं, सारे विक्टिम्स जो हैं 2010 में मिसिंग रिपोर्ट हुए थे। इसके अलावा कोई और कॉमनैलिटी नहीं है इन तीनों के बीच में। अच्छा जी, तो 2010 से मिसिंग है। तो देखते हैं, ये पहला, इसका नाम है टेड लेन, डेंटिस्ट था ये। स्टैब वुंड्स मिले, ब्लोटिंग थी, ब्रूजिंग थी रिस्ट पे। तो ये विक्टिम वही 2010 से मिसिंग था, 2012 में मिला, 2 साल बाद, और बरीड था एक शैलो ग्रेव में। ठीक है, उसके बाद अगली विक्टिम थी वेंडी डेविस, टीचर थी, बॉडी ब्लोटेड थी फिर से, और एक लार्ज चेस्ट वुंड था। ये मिली थी कोल्डन लेक में 2018 में, बताओ 8 साल बाद। कुछ ऑर्गन्स मिसिंग थे, ठीक है, प्रिडेशन हो सकता है, जो बॉडी की स्टेट थी डज नॉट मैच 8 ईयर्स स्पेंट इन अ लेक। अच्छा, तो 8 साल तक अगर बॉडी लेक में होती तो जो बॉडी की हालत होनी चाहिए थी वैसी नहीं थी। तो हो सकता है कि बॉडी पे रिचुअल करके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के लेक में डाल दिया हो। तीसरा हमारा विक्टिम है पर्सी वुल्फ, स्टोर ओनर था, इस पे भी जो है बॉडी पे ब्रूजिंग थी, हार्ट को निकाला हुआ था, और कुछ स्ट्रेंज टैटूज भी थे इसकी बॉडी पे। अच्छा, और ये से 2 वीक पहले मिला, ओ भाई, मतलब करीब 13 साल बाद। तो चेस्ट रूल जो है, और चेस्ट वुंड जो है उसको रूल किया गया था इस कॉज ऑफ डेथ। ठीक है, टैटूइंग जो है बॉडी पे वो एलिजिबल है, समझ में नहीं आ रही कि क्या है वो टैटू। अच्छा जी, मर्डर मेथड, ठीक है, तो स्लाइट डिफरेंस थे मर्डर्स में। ब्लोटिंग जो है सिर्फ एक वही कॉमन चीज थी तीनों बॉडी में, ठीक है, बट कॉज ऑफ डेथ नहीं थी। तो हो सकता है कि मारने के बाद वही पानी में डाल दिया था बॉडी को, तो इस वजह से ब्लोट हो गई हो, बट पानी में डालने से पहले ही उनको मार दिया गया था। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, कि भाई ब्रूजिंग थी रिस्ट पे और लेग पे, दो विक्टिम्स के जो है ब्रूजिंग थी। तो हो सकता है वही किसी तरह से उनको बांधा गया हो, रिस्ट्रेंट किया गया हो, ट्रैप किया गया हो, तो उस वजह से। यहाँ पे क्या है कि डीप गैश था चेस्ट में, और दिल जो है हार्ट मिसिंग था। तो मोस्ट रिसेंट विक्टिम डाइड ऑफ मेजर चेस्ट ट्रॉमा, ठीक है, वही, तो जो भी 2 हफ्ते पहले वो बॉडी मिली वो भी जो है चेस्ट ट्रॉमा की वजह से मरा था। और 2018 वाला विक्टिम भी, वो जो है वेंडी डेविस, वो भी उसी वजह से, बट कंफर्म करना मुश्किल है क्योंकि बॉडी की कंडीशन काफी खराब है। और तीसरा ये क्या है हमारा क्लू मर्डर मेथड में, कि भाई जितनी भी बॉडीज थी उन्होंने ब्लोटिंग एक्सपीरियंस किया था, वही कि पानी में डाला था। तो ब्लोटिंग जो है इंडिकेटिव है ड्राउनिंग की, बट ओनली वन विक्टिम वॉज फाउंड इन वाटर। हाँ, तो अच्छा जी, और किलर की प्रोफाइल देखते हैं, एक और क्लू मिलना इधर लगता है बाकी है, ये शायद हम याला केस इन्वेस्टिगेट करेंगे तब मिलेगा। तो इधर देखते हैं क्या है किलर प्रोफाइल में, पोस्टमार्टम टैटूइंग ऑफ द बॉडी, ठीक है, वही कि विक्टिम नंबर 3 जो था वो इन एलिजिबल टैटू थे उसकी बॉडी पे। हो सकता है कि मैसेज हो कोई किलर की तरफ से, या कुछ उनका हो सकता है सिंबल हो, आर्ट करा हो उस पे। ठीक है, मर्डर टारगेट जो भी है उनमें कोई भी कॉमन ट्रेट नहीं है एज सच, बस यही है कि तीनों जो है 2010 में मिसिंग थे। और क्या है, चेस्ट ट्रॉमा जो है रिजेंबल्स एनिमल बुचरी टेक्निक्स। अच्छा, तो एनिमल्स को जैसे बुचर किया जाता है उस तरह से ये चाकू लेके खोपा था उनके चेस्ट पे। तो किलर जो है कोई स्पोर्ट्समैन हो सकता है या हंटर हो सकता है। अच्छा जी, तो ठीक है, यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या है। तो एक्स दबाएं तो केसेस हैं, केसेस वाले हमारा भी खाली है। वाई से जो है हमारे गोल्स हैं, तो हमारे को जाके जो है डिप्यूटी थॉन्टन से मिलना है जनरल स्टोर पे। ठीक है, तो एग्जिट करते हैं यहाँ से। I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. अभी तो स्टार्ट ही किया Let's head भाई। down the hill to the crime scene. ठीक है, तो क्या लिखा है कि भाई माइंड प्लेस जब हम विजिट करते हैं तो गेम पॉज नहीं होता, तो अगर आसपास एनिमीज हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा, वो तब भी हमारे को अटैक कर Hey सकते Casey, हैं। you putting me in charge? Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled.
I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. अरे भाई, ऐसे केस में ये जिंक्स मत डालियो. You okay to jump down? I'm not that. ये क्या है? मिरर पीक, देखें जरा. अच्छा, वहां पे कोई पीक है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. आ जाओ केसी भाई. Fucking nature gives me a headache. Oh, sky. किस तरफ जाना है? लगता है उसको नेचर पसंद नहीं है. ओह, इस तरफ जाना है. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. Oh, लगता है बारिश शुरू हो गई. Here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next call. अबे, लोकल ये पुलिस ऑफिसर्स के ले रहे हैं. तो चलिए, जनरल स्टोर पे पहुंच गए. बोरा थॉर्नटन. चलिए बात करते हैं इससे. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. चलिए तो चल के देखते हैं बॉडी को. ये क्या है? Witch's Ladle, Colton Lake Campgrounds. So, इस तरफ. FBI, huh? That's so cool. हाँ जी. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Those are real? हाँ भाई, बिल्कुल. आजा आजा. Let's just see this body. ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है थॉर्नटन. लेट्स होप कि ये गेम में रहे काफी टाइम तक. थोड़ी सी बकचोदी मारता रहेगा ऐसा लगता है. सीन ऑफ द क्राइम. वी फाउंड हिम ऑन द टेबल एंड वी डिडंट टच नथिंग, यू नो, प्रोसीजर्स एंड स्टफ. चलिए, अच्छी बात है इन्होंने बॉडी को टच नहीं किया. यू ओ मी अ कॉफी. टार्प नहीं लगाया हुआ इन्होंने, बारिश हो रही है जबकि. तो चलिए, यहां पे बॉडी को एग्जामिन करना है. तो देखते हैं इधर क्या क्लू है. Body is positioned on the table. Ritualistic. तो क्या है भाई कि हमने जो है एक पहली अपनी की इमेज को अनलॉक किया है. ये जो है हम अपने माइंड प्लेस में जो है केस बोर्ड पे फिर लगा सकते हैं. ठीक है, चलिए तो केस बोर्ड खोलते हैं. तो अच्छा, ये ऊपर वाला एरो दबाएंगे तो इससे जो है हम एक्टिव क्लूज देख सकते हैं और फिर की इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं ए से और उसको केस बोर्ड पे लगा सकते हैं. तो चलिए, ये से सेलेक्ट हुआ, फिर ए दबा के इसको सेलेक्ट करके. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? हो सकता है. ठीक है, तो ये हमारा अगला केस लगता है शुरू हो गया. ठीक है, तो एक की इमेज को हम जैसे केस बोर्ड पे लगाएंगे तो एक नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमारी शुरू हो जाएगी. ठीक है, तो क्या है भाई, एक और बॉडी मिली है ब्राइट फॉल्स के पास जंगल में. टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट. देखना है कि ये बाकी किलिंग्स जो हैं, बाकी मर्डर्स जो हुए हुए हैं, उससे लिंक्ड है या नहीं. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. क्या है, तो कोई हम एक की इमेज लगाएंगे केस बोर्ड पे तो एक नया क्वेश्चन प्रॉम्प्ट होगा. ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है कंसिस्टेंट विद मर्डर्स, अदर मर्डर्स होगा. तो उसके बाद जो है हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे जो कि हम केस बोर्ड पे वाई दबा के देख सकते हैं हमारे. तो देखते हैं कि क्या गोल है. तो इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम सीन को. ठीक है, अब जो है हम अपना केस बोर्ड को एग्जामिन कर सकते हैं या फिर बी दबा के पीछे जाके एक ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं. हाँ, तो ये कंसिस्टेंट है प्रीवियस मर्डर से, यानी ये हमारे को पता करना है. थोड़ा जूम आउट करते हैं तो हमारे को लगता है यहाँ पे तीन क्लूज मिलेंगे और फिर हमारे को क्लूज को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा कि भाई ये प्रीवियस मर्डर से कंसिस्टेंट है या नहीं. और देखते हैं यहाँ पे क्या है. ये हमने पढ़ लिया. इधर एक्स दबाएं केसेस में, तो ये प्रीवियस मर्डर्स हैं. तो ट्राई करते हैं. अच्छा, तो इसको भी जो है हम वैसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं. तो एक बार ट्राई करते हैं. ए से सेलेक्ट हुआ तो ये हमारा प्रीवियस केस बोर्ड आ गया. लगता है यहाँ पे हमारे को और इन्फॉर्मेशन मिलेगी राइट साइड पे धीरे धीरे. अभी के लिए जो है हम याला केस पे फोकस करते हैं. ठीक है, बी दबा के ये हम वापस आ गए माइंड स्पेस में.
अच्छा लगता है ये हमारा मैप है जो हमने पहले कलेक्ट किया था। अच्छा और भी मैप्स हैं यहाँ पे, अनडिस्कवर्ड मैप काफ़ी सारे हैं, तो लगता है धीरे धीरे जब हम एक्सप्लोर करेंगे एरिया ब्राइट फॉल्स को तो ये मैप आते जाएंगे। चलिए अभी के लिए जो है एग्ज़िट करते हैं। और क्या है यहाँ पे, एक और क्लू है लगता है। तो हम जो है क्लूज कलेक्ट कर सकते हैं बॉडी से, वही अपनी इन्वेस्टिगेशन को प्रोग्रेस करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नीचे जो है हमारे को तीन स्लॉट्स दिख रहे हैं, तो लगता है तीन क्लूज हम कलेक्ट करेंगे। तो ये Bruising on देखते the हैं wrist पहला, from the cargo straps holding him down. तो वही यहाँ पे ब्रूजिंग है इसके हाथों पे बांध रखा है, ये पहले भी एक बॉडी पे थी शायद ऐसी ब्रूजिंग। The killer left the heart right next to the body. वही यहाँ पे जो है हार्ट निकाला हुआ है और इधर जो है स्टैब वुंड है। Incised stab wound, chest cut open, heart removed. चलिए तो अब जो है हमारे तीन क्लू हो गए अवेलेबल, केस बोर्ड पे चलते हैं वापस, प्लेस करते हैं इन क्लूज को। तो जो नए अभी हमने क्लूज डिस्कवर किए हैं इनको हम ओपन क्वेश्चन के सामने प्लेस कर सकते हैं। तो थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक एक करके क्लू को लगाते हैं। ठीक है दूसरा क्लू, पहले तीनों को लगा देते हैं फिर एक बारी में जाके जो है थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes four murders that we know about. तो टोटल जब चार मर्डर्स हो गए हैं और काफी कंसिस्टेंट है पहले तीन जो मर्डर्स थे उनसे, बट वो ये है कि हार्ट को भी पीछे छोड़ दिया और वो जो स्ट्रैप्स हैं उनको भी। तो देखेंगे उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ। प्रॉब्ली वो ये था कि वो दो जो वो थे लोग वो आ गए थे, उन्होंने देख लिया था ऐसे मर्डर होते हुए, तो उस चक्कर में हो सकता है उन्होंने जल्दी जल्दी में भाग गए हों। तो क्या है यहाँ पे कि भाई क्लूज हैव रिजॉल्व द ओपन क्वेश्चन। अच्छा तो ठीक है ये तीन क्लू मिले तो हमारा जो ओपन क्वेश्चन था वो तो रिजॉल्व हो गया, बट उसके बाद जो है एक डिडक्शन को अनलॉक किया है। तो जैसे जैसे हम इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ेंगे तो नए क्वेश्चंस भी अनलॉक होंगे और उससे हमारे गोल्स भी अपडेट होते जाएंगे। ठीक है ठीक है, तो जो है हम अब अपने अपडेटेड गोल्स वाई दबा के देख सकते हैं। तो हमारा गोल्स जो है अब है कि भाई विक्टिम के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करनी है और किलर के बारे में भी। ठीक है और वो ये है कि अब हम जो है केस बोर्ड को आराम से एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है तो थोड़ा सा इधर आते हैं। तो हमारा पहला ये था कंसिस्टेंट विद प्रीवियस मर्डर्स है या नहीं, एक बारी वापस आते हैं इस पे। तो हमारे को तीन क्लूज मिले थे इसके, थोड़ा जूम इन करते हैं कि भाई मर्डर जो है मैचेस प्रीवियस केसेस बट ये इंटरप्ट हो गया था। तो वही कुछ क्लूज मिल सकते हैं हमारे को, तो देखते हैं क्लूज के बारे में जाके। मेजर चेस्ट ट्रॉमा हुआ हुआ है, ये कंसिस्टेंट है पहली किलिंग्स के साथ। वो हार्ट मिला विक्टिम की बॉडी के पास, तो हार्ट जो है निकाल दिया गया था बट उसके बाद जो है वही बॉडी पे टेबल पे छोड़ दिया, तो मर्डर शायद वही इंटरप्ट हो गया था। और कार्गो स्ट्रैप्स यूज किए गए थे विक्टिम को रिस्ट्रेन करने के लिए। तो जो ब्रूजिंग है उससे ये पता चलता है कि भाई बॉडी बंदा जो है तब जिंदा था, तो वैसे ही बाकी के केसेस को भी मैच करता है। ठीक है और अब हमारे दो और क्वेश्चन आए हैं, क्या है कि विक्टिम के बारे में हमारे को दो क्लूज मिलेंगे और यहाँ पे लगता है किलर के बारे में दो क्लूज मिलेंगे। ठीक है तो चलिए यहाँ से एग्जिट करते हैं। Who is our victim? Who killed him? We चलिए need to तो find more clues. हाँ देखते हैं और क्लूज क्या है यहाँ पे। Large amount of blood on the table. तो ये The पहला क्लू victim है, died here. यहाँ पे काफी सारा खून है टेबल पे, तो लगता है विक्टिम फाइनली यहीं पे मरा। और इधर देखते हैं Multiple people were here. Multiple killers? तो लगता है किलर्स के बारे में है इन्फॉर्मेशन कि काफी सारे फुट ट्रैक्स हैं यहाँ पे, तो एक से ज्यादा किलर था। और देखते हैं इधर है कुछ, ओ इधर दो क्लूज हैं, तो ये देखते हैं क्या है। Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. अच्छा वो जल्दी Was it जल्दी for a में भाग रहे camera? होंगे वो दोनों लोगों के पीछे, तो इसलिए तो कैमरा नहीं है यहाँ पे बट एक ट्राइपॉड है, तो हो सकता है कि वो रिकॉर्ड कर रहे हो सब कुछ। और यहाँ Someone was पे ये drinking तो बियर beer. बॉटल्स लग रही हैं। They spent time here, waiting. अच्छा जी तो यहाँ पे इंतजार कर रहे थे जैसे कि उनको पता हो कि भाई ये जो विक्टिम है ये यहाँ पे आने वाला है।
अच्छा इंटरेस्टिंग, तो माइंड स्पेस का एक्सेस करते हैं फिर से, केस बोर्ड पे चलते हैं और लगाते हैं ये क्लूज अपने, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। हाँ सेंटर में आ गया ये, थोड़ा सा जूम इन भी कर लेते हैं। अब देखते हैं, तो मल्टीपल सेट ऑफ फुटप्रिंट्स हमारा ये किलर के हो गए क्लू, इधर प्लेस करते हैं इसको। अगला क्या है, हैवी ब्लड स्प्लैटर ऑन द टेबल, तो ये विक्टिम के बारे में हो गया। No. नहीं इधर किलर्स के बारे में ही है ये भी, कि भाई यहाँ पे Footprints indicating multiple killers. Quite the party. तो यहाँ पे क्या है कि भाई काफी सारे असेलेंट थे, सीन भी काफी मैसी था, तो क्या है ये क्राइम ऑफ पैशन है या कुछ प्री मेडिटेटेड है। और देखते हैं इधर, हैवी ब्लड स्प्लैटर था टेबल पे, तो वही कि काफी मेस हुआ यहाँ पे, वही उनका मतलब करने का तरीका था या बस स्लॉपी काम था। और मल्टीपल सेट ऑफ फुटप्रिंट्स हैं, काफी सारी एक्टिविटी थी, तो वही कि एक अकेला बंदा नहीं था, काफी लोग थे। और देखते हैं विक्टिम के बारे में, अच्छा ये फॉर लेटर मार्क हुआ हुआ है, तो मतलब हो सकता है इसके बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो विक्टिम के बारे में अभी हमारे को नहीं पता क्लूज, तो चलिए यहाँ से निकलते हैं, बात करते हैं केसी से या इससे थॉन्टन से। अच्छा तो भाई विक्टिम की आइडेंटिटी पता चली क्या? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about अच्छा 13 years ago. ओ तेरी, I haven't heard a word about him since. Well, until now. भाई एफबीआई एजेंट था ये तो, Robert Nightingale? इसको पता है लगता है। Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. अच्छा जी, तो क्लूज जो है आसपास जो लोग हैं उनसे बात करके भी डिस्कवर हो सकते हैं, या वही सराउंडिंग्स जो है उनको एग्जामिन करके भी। तो चलिए इसको लगता है विक्टिम के बारे में पता है नाइटिंगेल, तो पता करते हैं कौन था So ये। you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. अच्छा तो लगता है इसका पार्टनर जो है केस पे मर गया था, तो उसकी वजह से ये चला गया होगा किसी ट्रॉमा में, और उसके बाद जो है फिर उसको एफबीआई से भी निकाल दिया। अच्छा तो क्या हुआ भाई, ये फायर हुआ उसके बाद? So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He ओहो had some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. वही तो fell off the map, मतलब ये यहीं पे आ गया होगा, और वही 2010 से मिसिंग है। Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. चलिए तो वापस अपने माइंड स्पेस में चलते हैं, हमारे को दोनों क्लू मिल गए लगता है विक्टिम के बारे में। हाँ तो ये जो है विक्टिम का नाम है रॉबर्ट नाइटिंगेल, और ब्राइट फॉल्स में दिखा था 13 साल पहले, तो 13 साल से मिसिंग है ये। और अगला क्लू भी जो है ये है कि भाई ये एफबीआई के लिए काम करता था। Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. हाँ तो क्या है भाई, विक्टिम की जो है आईडी कर लिया है, रॉबर्ट नाइटिंगेल फॉर्मर एफबीआई एजेंट था, मेंटल स्टेट क्वेश्चनेबल थी जब ये गायब हुआ था। वो ये कि भाई 13 साल से जो है किसी ने सुना नहीं है इसके बारे में, तो ये सडनली कहाँ से आया, वो भी वो लेक में से कैसे आया, तब तक कहाँ था। हाँ ये काफ़ी मतलब सस्पिशियस है। चलिए इधर देखते हैं क्या है, वही कि एफबीआई ने फायर कर दिया था इसका जब पार्टनर की डेथ हुई थी, उसके बाद ये थोड़ा सा हो सकता है वही ट्रॉमा में था, तो वही कि साउंड्स लाइक कि हमारा जो पिछला विक्टिम है वो मेंटली स्टेबल नहीं था। ठीक है तो एक और चीज़ जो है ये अभी निकला,
तो जो विक्टिम्स के मर्डर का भी है, 2010 में सब गायब हुए, बट उसके बाद जो है किलिंग में भी कोई पैटर्न नहीं है टाइम में। एक 2012 में था, फिर 6 साल बाद 18 में, फिर 5 साल बाद 2013 में, अभी 2 हो गए 2 हफ्ते के गैप में, तो उसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। बट इधर लगता है हमारा एक अगला क्वेश्चन आ गया है कि भाई ये सारे जो मर्डर्स हैं, ये स्पेशली ये वाला, ये प्री मेडिटेटेड था या स्पॉन्टेनियस था? तो ऐसा लगता है कि प्री मेडिटेटेड था, क्योंकि यहाँ पे इनको पता था ये आने वाला है, तभी बियर बॉटल्स वगैरह थी और अपना ये थोड़ा सा स्टेक आउट कर रहे थे। हाँ, ये ट्राईपॉड भी मिला यहाँ पे, तो ये फिल्म भी कर रहे थे। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इधर लगाते हैं इसको। They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. वही। But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? वही तो क्वेश्चन है, व्हाई हियर व्हाई नाउ, हाउ डिड दे नो? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. अच्छा, तो लगता है कोई नई स्किल है हमारी प्रोफाइलिंग करके। तो प्रोफाइलिंग से जो है सागा जो है माइंड प्लेस में अपने सस्पेक्ट के या विक्टिम के, अच्छा मतलब उन शी कैन गेट इनसाइड देयर हेड, तो उनके दिमाग में जाके देख सकती है, मतलब सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन से यूज कर सकती है कि भाई कि उन्होंने क्या फील किया या क्या देखा तब, बेस्ड ऑन कि अभी तक उसने क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी है। तो चलिए प्रोफाइल करते हैं। तो वही अपनी इंट्यूएशन को इस्तेमाल करके सागा जो है नए क्लूज डिस्कवर कर सकती है लोगों को प्रोफाइल करके। तो चलिए नाइटिंगेल को प्रोफाइल करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, दो हैं चीजें, मिसिंग पर्सन। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. ओ भाई, It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. तो उसने कुछ ऐसा बोला कि लेक विच इज नॉट अ लेक, वहां पे डार्क है, वहां पे जो है यू कैन नॉट एंटर अंटिल समवन गिव्स परमिशन। अच्छा जी, ठीक है। और ये देखते हैं रिचुअल मर्डर। Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ओ भाई, ठीक है। तो वही रिचुअल मर्डर था ये। ये देखें, एलवी से हम केस बोर्ड पे जा सकते हैं और इस पे मैप पे, यहाँ पे प्रोफाइलिंग, और तो कुछ नहीं है प्रोफाइलिंग में। तो चलिए यहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस केस बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो है देखते हैं, कोल्डन लेक से आया था ये, तो यहाँ पे इसको लगाते हैं। ठीक है, वही 13 साल बाद आया ये लेक से, बट अभी क्यों आया, कहाँ था इतने सालों तक, बाकियों को कैसे पता चला कि वो यहाँ पे आएगा इस वक्त? तो चलिए ये सब मेरे ख्याल से अब हम पता करेंगे। तो अपने गोल्स देखते हैं। ठीक है, अभी जो है हमारे को लेक शोर के पास जाके वहां पे इन्वेस्टिगेट करना है, तो चलते The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. चलिए, तो अब लेक शोर पे चलेंगे। Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. हाँ भाई, तू यहाँ पे चिल मार थोड़ा, हम चलते हैं लेक के पास। This is where भागेगा your क्या? hunch is, हाँ, Anderson. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. इधर कुछ नहीं है। From the lake. Probably looking for shelter. Safety.
They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. हाँ हाँ बताएंगे बिल्कुल. It's not that complicated. वे क्यों ले रही है उसकी? Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. वो ये काफी questions हैं अभी. Lots of answers for us to find. बिल्कुल questions हैं तो answers भी. I didn't know trees got that big. ओ भाई. Gives me the creeps. You need to get out more. It is kind of creepy though. चलिए इनकी बात खत्म हुई तो अब जो है ये यहाँ पे रास्ता बंद है तो इसको एग्जामिन करते हैं. देखते हैं यहाँ पे भी देखिए फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं तो आगे चल के एग्जामिन करते हैं. ये क्या है? ट्रैक्स, बेयरफुट ट्रैक्स हैं. हाँ पैरों के ट्रैक्स हैं यहाँ पे. They come out from under the boulder. It makes no sense. तो बोल्डर के नीचे से कहीं से निकल के आया ये. ये देखते हैं क्या है. ये क्या है? कलेक्ट हो जाएगा शायद. हाँ a page full of text on one side, not a printout, written with a typewriter, old school, lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Oh, a story. Manuscript hai ye pehle game mein bhi thi manuscript. It's for us. The text is about us. Future predict kar raha hoga. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. तो इन दोनों की बात हो रही है कि भाई ये इनविटेशन है और एक्सेप्ट तो इनको करना ही पड़ेगा. इवन तो इनको पता है कि भाई हर्ट हो सकता है. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page or the killers left it for us. तो मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस भी जो हैं वो माइंड प्लेस में जाके हम पढ़ सकते हैं. तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये प्रोफाइलिंग. तो पहले केस बोर्ड पे चल के देखते हैं क्या है. और फुटप्रिंट्स इमर्जिंग फ्रॉम अंडर द रॉक. तो ये हो गया ठीक है. इसके कितने क्लूज हैं? 3 क्लूज हैं. और यहाँ पे जो है ट्रेल ठंडी पड़ गई ठीक है. तो ये भी लगाते हैं. आई थिंक ही केम फ्रॉम द लेक बट हिज ट्रैक्स मेक नो सेंस. चलिए तो ये वाला भी जो है हमारा क्वेश्चन के तीनों क्लूज मिल गए. काफ़ी सारे अननोन्स हैं वही कि डजेंट मेक एनी सेंस क्या हम गलत क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो देखते हैं 3 क्लूज क्या थे हमारे. यही कि नाइटिंगेल जो है कोल्डरन लेक से निकल के आया वही बट 13 साल बाद तब तक कहाँ था. यहाँ पे तो डेड एंड है लिटरली. बोल्डर ने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है तो यहाँ पे आया कैसे. इसके थ्रू फुटप्रिंट्स दिख रहे थे यहाँ पे हमारे को. हाँ वही फुटप्रिंट्स इमर्जिंग फ्रॉम अंडर द रॉक. तो बोल्डर के थ्रू कैसे आया वो डजेंट मेक सेंस ठीक है. तो यहाँ पे और क्या है? एनीथिंग एल्स हेयर? तो 2 क्लूज हमारे को ढूंढने हैं यहाँ पे. तो ये लगता है पहला क्लू है. सो द किलर इज वॉचिंग अस गेम ऑन. तो वही कि किलर ने लगता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट वहां पे छोड़ी तो गेम ऑन है. चलिए देखते हैं. और लगता है यहाँ पे एक और क्लू हमारे को ढूंढना होगा. और क्या है यहाँ पे? मैन्यूस्क्रिप्ट मिला था. ये मैन्यूस्क्रिप्ट पेजेस देखते हैं क्या है ये मैसेज. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words,
felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. अच्छा जी, हो भाई, तो मैन्यूस्क्रिप्ट में जो है ये पेज पे सॉर्ट ऑफ अभी तक जो हुआ है उसकी समरी सी है. तो यही जो एलन ने बोला हम यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है. और देखते हैं प्रोफाइलिंग में क्या है. कुछ नई इन्फॉर्मेशन, हाँ ये द पेज, तो देखें इसमें क्या है. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig out. Something was put inside him. Oh. In his chest. I must find out what. अच्छा जी, तो वो जैसे चाकू से बॉडी पे इतना बड़ा वो कट मारा था हार्ट निकालने के लिए, तो लगता है हार्ट निकालने के साथ साथ कुछ डाला भी है उसमें. तो अब जाके हो सकता है फिर हम बॉडी को इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है. तो एक चीज़ और ट्राई करते हैं, जैसे इसने जो बोला अगर हमारे को फिर से बात पढ़नी है या सुननी है. अच्छा, कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, स्किप करते हैं अभी के लिए. बट अगर फिर से देखना है प्रोफाइल क्या किया था तो हम फिर से इस पर क्लिक करके वो बात सुन सकते हैं. ठीक है, चलिए एक सेकेंड, वापस चल के एक बारी गोल्स देखे क्या है. तो ठीक है, हमारा गोल अभी अपडेट हो गया है कि हमारे को फिगर आउट करना है नाइटिंगेल के साथ क्या हुआ. चलिए, तो क्या है, अब हम वापस जाएंगे और नाइटिंगेल की बॉडी को देखेंगे. ये क्या, एक बारी देखें, इधर भी लगता है कोई क्लू है. Witch's ladle. A witch with no heart. A strange echo of owl murder. हाँ. अच्छा, यहाँ पे भी कोई स्टोरी लिखी है इसके बारे में. ठीक है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो इफ यू आर स्टक और अनश्योर कि कैसे प्रोसीड करना है तो वापस माइंड प्लेस में जाके देख सकते हैं, हो सकता है वहां पे थोड़ा सा हिंट मिल जाए. नहीं, चलिए, तो अभी तो हमारे को वापस जाना है और वो बॉडी को देखना है. बट ये विच का भी यहाँ पे एक रेफरेंस था, विच विदाउट अ हार्ट. इधर ऊपर इस तरफ नहीं जाना लगता, इस तरफ जाना है. तो देखेंगे कि वो विच की जो स्टोरी है उसका भी कोई लेना देना है क्या ये रिचुअलिस्टिक मर्डर से. You made it back. Good. हाँ जी भाई, आ गए. Stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. तो अब क्या है? बॉडी के पास चल के देखें क्या? नहीं. तो एक बारी माइंड प्लेस खोलते हैं. केस बोर्ड देखते हैं. तो इसके कितने क्लूज हैं? एक क्लू और है. तो अच्छा हाँ, तो ये नाइटिंगेल के अंदर जो है, ठीक है, ये प्लेस करते हैं यहाँ पे. तो लगता है हमारा कंप्लीट हुआ. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन का भी जो है हमारे को आंसर मिला कि भाई यहाँ पे जितना भी था देखने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, अभी के लिए तो हो गया. अब क्या है, बॉडी को जो है, अच्छा, वापस लेके जाना है सिट टाउन में एग्जामिन करने के लिए. तो हो सकता है उसको मॉर्ग में लेके जाएं और थोड़ा सा पोस्टमार्टम करें. तो यही है कि नाइटिंगेल की बॉडी के अंदर लगता है कुछ छुपाया हुआ है. तो एग्जामिन करना है प्रॉपरली, ठीक है. Hey, see. I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. चलिए, तो इसको बोलते हैं कि भाई बॉडी को लेके जाओ. I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Achha, oh, the sheriff breaker called to say he's got the bookers at the O'Deer Diner in town.
Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. चलिए तो चाबी लेते हैं. ये शॉर्टकट की मिल गई यहाँ पे. ठीक है, तो अभी जो है वापस गाड़ी में जाना है ब्राइट फॉल्स में. Let's get the car. Drive to Bright Falls and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. चलिए तो यहाँ से शॉर्टकट से ऊपर चलते हैं गाड़ी की तरफ. तो वो जो है थॉन्टन वो बॉडी को लेके जाएगा ऊपर. Murders aside, pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. हाँ, ये तो है. कहाँ ही देखते होंगे ऐसे टाउन में. बट ठीक है, देखते हैं शेरिफ हेल्पफुल होगा या नहीं. तो अभी के लिए तो यह है कि वो थॉर्नटन बॉडी लेके जाएगा मॉर्ग में, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे. हार्ट रिमूव्ड, ट्राइपॉड, ट्रैक्स लीडिंग टू अ डेड एंड. अ ट्राइपॉड फॉर अ कैमरा टू रिकॉर्ड अ स्नफ फिल्म मेबी. एंड व्हाई टेक आउट हिज हार्ट जस्ट टू थ्रो इट अवे. टू स्टफ इन समथिंग फॉर अस टू फाइंड. वो ये हार्ट निकाल के कुछ और लगाया वहां पे बॉडी में डाला है ताकि हम उसको ढूंढे. तो लगता है हमारे को क्लू दे रहा है लगता है. चलिए तो यहां से निकलते हैं और देखते हैं इस तरफ. इधर से नीचे आ गए पार्किंग लॉट में. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. चलिए तो लगता है वो शेरिफ से जाके मिलेंगे और वो जो विटनेस हैं द बुकर्स उनसे बात करेंगे. तो चलिए चलते हैं ब्राइट फॉल्स. ठीक है, लगता है फास्ट ट्रेवल की तरह है, हमारे को खुद से गाड़ी ड्राइव नहीं करनी पड़ेगी. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. पक्की बात है आगे जाके और थ्रिलिंग होने वाला है. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. तो लगता है ये हमारा लॉज है. वैसे तो डाइनर पीछे ही दिख रहा है. आजा भाई, क्या है? The diner's just up the waterfront. ठीक है. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. चलिए वो रहा सामने लेफ्ट साइड पे. ओ डियर डाइनर. ये होगा शेरिफ. हाँ, बैज तो दिख रहा है. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. चलिए कुछ है. Washington's finest. बढ़िया. You must be Sheriff Breaker. ठीक है. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. Oh, I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. ठीक है, तो क्या है यहाँ पे विटनेसेस हैं? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? अच्छा. No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. चलिए तो शेरिफ को नहीं लगता. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ठीक है, चलिए तो हम जाके उनसे बातचीत करेंगे. वो मलिंगन और थॉर्टन जो है उनको लगता है कि भाई ये सस्पेक्ट है, विटनेसेस नहीं है, शेरिफ को ऐसा नहीं लगता. तो यही दोनों है, बात करते हैं इनसे. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer.
Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. ऐसे ही करना पड़ेगा भाई थोड़ा सा तो तुम्हें. ठीक है तो स्ट्रेस मत लो बस थोड़े से सवाल हैं उनका जवाब दे दो कि पहले तो भाई कोल्ड्रन लेक में कर क्या रहे थे हाँ ये बताओ. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. हाँ वो बात ठीक है लीगल है बट चलो मतलब ये इन्वेस्टिगेट करने आई थी थोड़ा सा पता करने देखने कि भाई एलन वेक के साथ क्या हुआ क्राइम नॉवेलिस्ट है लगता है. ठीक है तो क्या देखा तुमने बता सकते हो उसके बारे में. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. ये तो खुद ही इतने ट्रॉमा में लग रहा है उसके बाद. ठीक है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये कल्ट था कोई? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. Oh. The whole thing was terrifying. कुछ तो मिला वो छुपा रही है. चलिए तो लगता है अब हम चलेंगे अपने माइंड स्पेस में प्रोफाइलिंग करने का टाइम और क्लूज भी लगाने का टाइम. तो चलते हैं तो सबसे पहले प्रोफाइलिंग करते हैं द कल्ट ऑफ द ट्री. भाई ये फोटो देखो क्या मस्त लगाई है खतरनाक एकदम. चलिए तो देखते हैं प्रोफाइलिंग करते हैं. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy Yellow. Found something. A necklace belonging to one of the cultists. अरे मतलब हद है कल्टिस्ट है मार रहा है लोगों को और उसका नेकलेस चुरा लिया और फिर कह रही है कि मैं कवर पे लगाऊंगी अपनी बुक के. हाँ क्या ही बोलो भाई. चलो देखते हैं कोल्ड्रन लेक के बारे में क्या पता है. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. चलो at least उसके बारे में सही बता रहे थे but ये है कि यहाँ पे इसको कुछ मिला है. तो चलिए देखते हैं यहाँ से बाहर निकलते हैं अभी के लिए और पहले तो पूछते हैं. हाँ आई थिंक यू फाउंड समथिंग कुछ तो मिला है बता दे. सो यू फाउंड समथिंग देयर राइट अ नेकलेस दीज कल्टिस्ट मे हैव ड्रॉप्ड. ओके वाओ हाउ डिड यू पुट दैट. बेटे हम भी साइको हैं. यू नीड टू हैंड इट ओवर. चलो दे दिया ज्यादा चिक चिक नहीं करी. चलिए तो ये एक एविडेंस मिला हमारे को देखते हैं क्या ये कैसा है नेकलेस. थैंक्स दिस कुड प्रूव टू बी हेल्पफुल. डू मी अ फेवर स्टिक अराउंड टाउन फॉर नाउ इन केस वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस. लाइक वी डिड इवन ड्रीम ऑफ मिसिंग डियर फेल. ओह गॉड सागा सागा एंडरसन. ये कौन है. आई लिव एंड ब्रीथ. आई थॉट वी'd नेवर सी यू बैक हियर आफ्टर दैट ऑफुल ऑफुल थिंग हैपेंड टू योर बेबी गर्ल. हो ऐसा क्या हुआ. How are you? I'm sorry. ये लो. I don't know what you're talking about. उसको It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. लगता तो नहीं हाँ उसके रिएक्शन से. A horrible thing happened to my baby girl. She drowned. Your daughter. So weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I
know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. अच्छा जी. और तुम्हें ट्रॉमेटिक मेमोरीज वापस याद दिला दो. If you say so. तो लगता है सागा के पास के बारे में भी धीरे धीरे पता चलेगा. अभी के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने बोला कि भाई उसकी बेटी थी छोटी, वो ड्राउन हो गई थी, बट सागा को ऐसा कुछ याद नहीं है. तो अब जो है हमारा गोल है कि भाई हम नाइटिंगेल की बॉडी जाके एग्जामिन करें. तो उससे पहले जो है चलते हैं वापस माइंड स्पेस में और केस बोर्ड पे जो है ये क्लूज लगाते हैं. तो देखें प्रीवियस मर्डर का हमारे पास एक क्लू है. चलिए तो ये लगाते हैं. कहाँ पे जाएगा ये किलर की प्रोफाइल में. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. चलिए तो ये वाला केस हमारा लगता है क्लोज हुआ. किलर की हम प्रोफाइल को देख रहे थे तो हमारे को पहले पता चला था कि भाई वही पोस्टमार्टम में कि टैटूज हैं बॉडी पे और कोई कॉमन ट्रेट्स नहीं है और चेस्ट ट्रॉमा है, वही चाकू से ऐसे खोप रहे थे. तो अभी जो है हमारे को यहाँ से पता चला है कि भाई जो बुकर्स ने बताया कि मल्टीपल अटैकर्स थे, सबने डियर मास्क पहना हुआ था, कुछ चैंट कर रहे थे और क्या वही जो है बिल्कुल ऐसे छाती पे चाकू से मारा. तो काफ़ी सारे ऐसे एलियंट्स थे और ड्रेस कोड था. तो वी आर नॉट डीलिंग विद अ सीरियल किलर. हाँ ठीक है, सीरियल एक किलर नहीं है. तो यहाँ पे हमारा डिडक्शन क्या है कि सीरियल किलर नहीं है, ऑर्गेनाइज ग्रुप है, किसी एक पर्पज से काम कर रहा है और कुछ रिचुअलिस्टिक मर्डर्स हैं. ठीक है तो हमारा लगता है ये नया केस अब स्टार्ट होगा, द कल्ट ऑफ द ट्री. ठीक है तो क्या है, बैकग्राउंड केसेस जो हैं वो क्लूज एक्यूमुलेट करते हैं अबाउट ब्रॉडर ऑनगोइंग टॉपिक्स. ठीक है तो यहाँ पे जो है ये लगाते हैं हम. सबसे पहले तो कल्ट ऑफ द ट्री, नया केस स्टार्ट हो रहा है तो लगता है इसके बारे में और पता करेंगे. चलिए तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं. लगता है यहाँ पे दो तीन ब्रांचेस हैं. तो सबसे पहले तो क्या है ये, थोड़ा लाइट में नज़र नहीं आ रहा, व्हाट काइंड ऑफ कल्ट. तो हाँ कल्ट किस टाइप का है, क्या है, क्यों कर रहा है ऐसा, क्या उनका पर्पस है. इधर क्या है, कौन कौन इन्वॉल्व है और ये क्या है कि इनका गोल क्या है. ठीक है तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है. एक तो नेकलेस है और वेयर ये डियर मास्क है. तो ये शायद इधर आएगा. हाँ व्हाट काइंड ऑफ अ कल्ट, इनकी साइकोलॉजी क्या है. और अगला देखते हैं कल्ट नेकलेस, इनका सिंबल से रिलेटेड. ठीक है तो ये जो है व्हाट काइंड ऑफ कल्ट में हमारे दो सब केसेस आ गए कल्ट सिंबल्स. तो हमारे को पांच सिंबल ढूंढने हैं, एक मिला अभी तक. और कल्ट साइकोलॉजी में भी जो है पांच मिलेंगे टोटल. तो एक बारी जल्दी से देख लेते हैं. इधर जो है सिंबल ये हमारे को मिला था नेकलेस पे, जिसपे दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं. तो क्या है, ज्वेलरी जो है मेंबरशिप का एक इंडिकेटर हो सकता है, बट ये तो कोई सटल इंडिकेटर नहीं है. बैज हो सकता है ये प्राइड का कि भाई मैं इस कल्ट का पार्ट हूँ. और इनकी साइकोलॉजी में जो है ये डियर मास्क पहने हुए थे. अच्छा तो अगर वही अपना चेहरा छुपा रहे हैं तो मतलब इतने इस्टेब्लिश नहीं है कि भाई चौड़ में बिल्कुल अपना खुले से घूमे. तो क्या कोई डियर फेस्ट के साथ कनेक्शन है क्या इनका. तो ये जैसे उन्होंने बोला था कि भाई यहाँ पे कोई डियर फेस्ट है तो वो. और देखते हैं इधर देखें. ठीक है ये केस क्लोज हो गया. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. अच्छा नई फाइल शुरू करेंगे अब. First cold case. Exciting. ठीक है तो अच्छा ये केस क्लोज का जो है यहाँ पे भी देखिए मार्क आ गया और इधर भी जो है आ गया कि भाई अकेला किलर नहीं है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है, कल्ट ऑफ द ट्री. तो केस जो है काफी इंटरेस्टिंग हो गया. सीरियल किलर थोड़ा सा बोरिंग था लगता है इसके लिए, कल्ट आ गया तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया. तो एक नई फाइल शुरू करनी है. तो ठीक है नई फाइल जो हमने पहले शुरू कर ली है द कल्ट ऑफ द ट्री वाली. ठीक है तो अब देखते हैं हमारे गोल क्या है कि भाई नाइटिंगेल की बॉडी को जाकर एग्जामिन करना है शेरिफ स्टेशन में. तो चलिए चलते हैं. All set.
My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. हाँ जी बिल्कुल चलो. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. Acha. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? Played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. चलिए. तो लगता है यहाँ पे डियर फेस्ट होने वाला है, उसके बारे में भी देखेंगे. Hey, you know कुछ तो होगा इसका लेना देना. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. चलिए लगता है शेरिफ के स्टेशन में आ गए. अब मॉर्ग के एग्जामिनेशन रूम में जाना है. ओह ये रहे दोनों. In the morgue, all prep. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. ठीक है, उससे पहले जो है ये देखते हैं ब्राइट फॉल्स का मैप लगता है ऐड हो गया. तो अच्छा लगता है अभी और भी थोड़े से मैप्स हैं. तीन मैप तो हैं एटलीस्ट और जो डिस्कवर होने हैं. तो ये ब्राइट फॉल्स का मैप है. ठीक है चलिए. चलते अंदर. किधर है भाई? लगता है वो दोनों गए अंदर. किस तरफ जाना है? हाँ वो रे. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. चलिए एक सेकंड ये मार्कर हटाने के लिए. ठीक है वो स्क्रीन पे अटका हुआ था. चलिए तो देखते हैं कि उसकी बॉडी में क्या मिलेगा. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. चलिए तो एग्जामिन करते हैं बॉडी को. External inspection before performing the internal examination. अच्छा तो पहले एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करेंगे, देखते हैं बाहर क्या-क्या और है. What was the cause of death? Cause of death क्या है? पांच क्लूज हैं इधर, तो सबसे पहले ये देखते हैं. They did leave something inside his chest. तो कुछ तो यहाँ पे छोड़ा है, देखेंगे क्या है. इधर से शुरुआत करते हैं. Defensive wounds. He put up a fight. तो कुछ defensive wounds हैं इधर. वो strap किया था, बांधा था उसको tightly, तो उसके marks होंगे. इधर देखते हैं. Like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. अच्छा यहाँ पे जूम इन नहीं कर सकते, बट लगता है इधर कोई टेक्स्ट है, कुछ मे बी टैटू होगा या कुछ लिखा है इसने यहाँ पे. इधर देखते हैं. The body shows signs of being submerged in water, post-mortem. तो it doesn't add up. हाँ मतलब मारने के बाद जो है किसी ने इसको पानी में डाला है, तो स्वेलिंग होगी, ब्लोटिंग होगी. और ये तो There's इसका हार्ट है. अच्छा हार्ट पे भी राइटिंग है. राइटिंग? How'd they manage that? ओ भाई मतलब उसका हार्ट निकाल के उसके ऊपर उन्होंने कुछ लिखा. तो चलिए केस बोर्ड पे चलते हैं अपने. और जो है यहां से नहीं, एक्स दबा के. अच्छा केस चेंज करते हैं. कल्ट ऑफ द ट्री. मर्डर एट गोल्डन लेक में 6 क्लूज हैं. चलिए तो इसको खोलते हैं और एग्जामिनेशन ऑफ आर नाइटिंगेल. ठीक है इसको लगाते हैं, देखते हैं इधर क्या मिलेगा. तो एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम द बॉडी. बॉडी जो है प्रेप करी गई थी और एग्जामिनेशन के लिए रेडी है. होप इट कैन प्रोवाइड सम एक्चुअल आंसर्स. तो देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करते हैं. दो यहाँ पे क्लूज हैं. एनीथिंग टू लर्न फ्रॉम द बॉडी, जो चलिए देखते हैं.
ये देखते हैं पहले डिफेंसिव वूंड्स। तो कॉज ऑफ डेथ हो गया, उसके बाद ये ब्लोटिंग वाला होगा। नहीं पहले कॉज ऑफ डेथ देख रहे हैं ना, तो ऐसा करते हैं इसको हटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं स्मश टेक्स अंडर द स्किन। नहीं ये ठीक है, chest wound is cause of death but the corpse is bloated waterlogged. ठीक है, इस पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं जरा एक मिनट में। इधर है अगला, तो ये लगाते हैं कि भाई हार्ट पे जो है कुछ वर्ड्स हैं इधर भी। हाँ रिचुअल राइटिंग, ठीक है, और इसमें जो है दो क्लूज हैं, तो दूसरा हमारा ये होगा स्मच्ड टेक्स्ट अंडर विक्टिम स्किन। There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? चलिए तो हमारी देखते हैं एक बारी क्लूज को फिर से थोड़ा सा पास से देख के, और फिर देखेंगे क्या डिडक्शन है। तो सबसे पहले तो देखते हैं रिचुअल राइटिंग में जो है वही कि कुछ लगता है टैटू सा है बट काफ़ी स्मच्ड है तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, ठीक है, और जो उसका हार्ट है उस पर भी कुछ वर्ड्स हैं बट किलर्स ने ये लिखा कैसे, और फिर से वही बहुत छोटा है या एलिजिबल है तो हम पढ़ नहीं सकते। तो डिडक्शन हमारा है कि भाई टैटूज हैं बॉडी पे भी और हार्ट पे भी, तो किलर्स के पास इतना टाइम भी कहाँ से आया कि भाई ऐसे ये टैटूज बनाओ और ये लिखो इतना, डजेंट मेक सेंस, बिल्कुल सही बात। कॉज ऑफ डेथ का देखते हैं कि भाई चेस्ट रिप्ड ओपन और कुछ अंदर दिख रहा है हमारे को, तो वही है कि भाई अंदर कुछ है, ठीक है, ब्रूजेज हैं, डिफेंसिव वूंड्स हैं उसके हाथ पे, तो लगता है कि नाइटिंगेल ने जो है रिजिस्ट किया, एक फाइट पुट अप करी जिससे उस रिस्ट्रेन होने से पहले। और इधर देखते हैं कि भाई जॉइंट्स में ब्लोटिंग है जो कि इंडिकेट करती है लॉन्ग टर्म वाटर एक्सपोजर। तो विक्टिम जो है वो जिंदा था जब उसको स्ट्रैप किया था, तो टाइमलाइन जो है थोड़ी सी इनकंसिस्टेंट है ब्लोटिंग के साथ, तो भाई वही कि पानी जो है बाद में आया उसकी बॉडी में, तो देखते हैं वो कैसे होगा। तो हमारा डिडक्शन है यहाँ पे कि भाई चेस्ट ट्रॉमा जो है वो क्लियर कॉज है डेथ का, और बॉडी से जो हम पता कर सकते थे उसमें हमारा डिडक्शन है कि भाई ब्लोटिंग का जो रीज़न है वो अभी तक पता नहीं है, ठीक है, स्ट्रेंज टैटूज हैं स्किन पे और हार्ट पे, और कुछ उसके चेस्ट कैविटी में इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जूम आउट करते हैं, केसेस खोल के देखते हैं, याला केस हमारा सॉल्व हो चुका है, इधर अभी नहीं है। चलिए तो अब गोल्स देखते हैं हमारे, वही है कि चेस्ट कैविटी को एग्जामिन करना है, तो यहाँ से निकलते हैं और करते हैं एग्जामिन। देखते हैं क्या मिलेगा। ओए एक और पेपर, मैन्युस्क्रिप्ट होगा ये पक्की बात है। हाँ देखो चेहरे से पता चल रहा है। मैन्युस्क्रिप्ट है, देखें क्या इसमें। Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. इसके पास और है मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस, देखें क्या है इनमें। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। ओए अब ये गायब हो गया भाई, आंखों के सामने गायब हो गया ऐसे। ओबे ओ भाई ये कहां से जाग गया। तो भाई हार दी, उठा के फेंका। ओ तेरी, ओबे भाई, ओहो
अच्छा वो ब्राइट लाइट में नहीं देख सकता। हमारी गन वहां पे बाहर फेंक दी इसने। ओए आ गया। ओ भाई क्या है कि भाई लाइट में रहने की कोशिश करो ताकि एनिमीज आपको डिटेक्ट ना कर पाए। अच्छा तो मैन्यूस्क्रिप्ट की उसमें पेज में उसने बोला था कि वो लाइट में नहीं देख सकते, तो चलिए चलते हैं। तो लगता है हम लाइट में आ गए अभी। वो रहा सामने है, आएगा, ढूंढ रहा है हमें, देखते हैं क्या होगा। हाँ इधर उधर भटक रहा है वो, सामने खड़े हैं जबकि हम तो देख नहीं पा रहा। My gun's out in the hall. Gotta get it back. तो गन जो है हॉल में है, इंतजार करते हैं इसके जाने का। चलिए क्या लिखा है। तो सेफ हेवन जो है वो हमारी थोड़ी सी हेल्थ रिस्टोर करेंगे, और अगर जो है हम सेफ हेवन छोड़ कर जाते हैं कॉम्बैट में तो वो थोड़ी देर के लिए अनअवेलेबल हो जाएगा। अच्छा तो अभी हम यहाँ से बाहर गए तो ये शायद लाइट फ्लिकर करेगी या बुझ जाएगी, तो हम एकदम से वापस नहीं आ पाएंगे। तो उसको टाइम करना पड़ेगा प्रॉपरली कि वो जाए और हम सही टाइम पे निकले अपनी गन के लिए। चलिए ठीक है अभी यही मौका है। कहाँ पे है इधर, ये रही हमारी गन, उठा लो। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। LT से एम, RT से फायर। ठीक है भाई मैं मर जा, मर गया। भाई गायब हो गया, बट उसने कुछ बोला, he'd be inside waiting for her. ओ भाई क्या खतरनाक चैप्टर था यार ये, तो साला पहला चैप्टर है उसी में ऐसा है। ये क्या है देखते हैं। अच्छा लगता है कोई गाना है, बट गाना भी बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मतलब गेम की फील के साथ जा रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं अभी के लिए। He didn't have a heart, but he still got up. हाँ वही तो। The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. What the hell is going on here? भाई हमें भी नहीं पता। We need to figure it out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. चलिए तो ऐसा है इससे एक मिनट में बात करते हैं। अभी जो है पहले केस बोर्ड पे चलते हैं और ये इसको लगाते हैं अपने केसेस पे। विक्टिम ऑफ कल्ट किलिंग बिकेम अ मॉन्स्टर, तो ये इनका गोल हो सकता है। हाँ और क्या है देखते हैं, पहले क्लूज लगा लेते हैं फिर एक बार में इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो पेज फाउंड इनसाइड द चेस्ट, ठीक है इधर लगाते हैं, ठीक है। और आखिरी है, नाइटिंगेल वॉज द ओनली विक्टिम टू बिकम अ मॉन्स्टर। तो हाँ बाकी जैसे पिछले तीन विक्टिम्स थे वो मॉन्स्टर नहीं बने थे, ये अकेले ही जो मॉन्स्टर बना। तो गोल इनका Keep trying. नहीं, गोल में नहीं है। और देखते हैं, हाँ इधर आएगा। तो चलिए एक बार ही देखते हैं वापस थोड़ा सा पास से क्या है ये, क्या क्या मिला हमारे को अभी। तो वही कि ये जो है ये तो भाई मॉन्स्टर बन गया, तो अगर मैंने खुद से अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तो इसमें जो है थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगी इसकी। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ पे और भी क्लूज मिलने बाकी हैं। कल्ट रिचुअल वॉट इज इट, तो उनका क्या है ये रिचुअल, तो इधर देखते हैं। विक्टिम की बॉडी और ऑर्गन जो थे वो उस पर राइटिंग थी और पेज भी मिला उसके अंदर से।
तो टेक्स्ट जो है टैटूड था विक्टिम पे, ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट पेज मिला एक उसके अंदर, और राइटिंग का भी जो है कुछ सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, तो देखते हैं राइटिंग भी जो है पार्ट है रिचुअल का या नहीं। चार क्लूज मिलेंगे इसको लेके। और इधर भी है क्या कि भाई नाइटिंगेल अकेला विक्टिम था जो मॉन्स्टर बना, तो बाकी काफ़ी चीज़ें मैच होती थी बाकियों के विक्टिम से, बट वो मॉन्स्टर्स नहीं बने, तो ऐसा क्यों? तो इसके बारे में भी जो है दो क्लूज और मिलेंगे हमारे को, ठीक है। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस हैं, एक बारी देखते हैं क्या बोलता है ये The autopsy एलन। room was a mess, like a bomb had gone off. Nightingale hunted Saga, didn't see her under the light, lurched past her. The Taken could not see into bright light. The light ठीक hurt them, है, hurt the darkness in them, made them vulnerable. I flick the switch, it goes click. Show me the clicker, lights are off, but somebody's home. Hemingway brought you here, witch. Get out of my house, Nightingale shouted. A wave of terror crashed through Saga's head. The awful truth. Nightingale had no heart in his chest, but here he was, killing a monster. The world had lurched out of balance. You found yourself trapped on the far side of the mirror. अच्छा, तो यही जो अभी इवेंट्स हुए यहाँ पे उसी के बारे में है कि भाई वो लाइट में नहीं देख सकता था, उसके अंदर जो डार्कनेस है वो लाइट से हर्ट होती है या जो भी। तो ठीक है, और क्या है यहाँ पे? रेडियो। अच्छा, ये वही गाना होगा, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो लगता है 14 गाने हैं यहाँ पे गेम में पूरे, ठीक है, चलिए तो यहाँ से निकलते हैं। हाँ तो ठीक है दोस्तों, ऐसा करते हैं आज के लिए ना हम यहीं पे रुकते हैं। आज जो हमने पहला चैप्टर ख़त्म किया, गेम का इंट्रो था, हम कोल्डन लेक के पास जो है ब्राइट फॉल्स में 3 मर्डर इन्वेस्टिगेट करने आए थे, उसी दिन चौथा मर्डर भी हुआ एक, और वो जो है जब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे भाई वो मॉन्स्टर भी बन गया, और काफ़ी डरावना सा मॉन्स्टर था, और उसको जब हमने गोली मारी तो वो एकदम से गायब हो गया। तो आज के लिए यहीं रुकते हैं, और अपनी एलन वेक 2 की कहानी को फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।